सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनीज मेलअप। मैं हूं मोहिनी सागर और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। तो आज के इस पनीर टिक्का मसाला को हम घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। इस रेसिपी की खासियत यह है कि पहले पनीर टिक्का बनाया जाता है और फिर एक स्मूथ ग्रेवी प्रिपेयर करके उसमें तैयार किया हुआ पनीर टिक्का डाल दिया जाता है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आता है टिक्का और ग्रेवी का। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, अमेजिंग रेसिपी है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर टिक्का बना के तैयार करना है। तो पनीर टिक्का के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया हुआ है और अब इस मिक्सिंग बोल में मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच दही। दही को मैंने बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है तो मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। मैं भुना हुआ बेसन ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके जगह पर 1 चम्मच सत्तू भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दिया है मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, या फिर मिर्च पाउडर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला। और अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और नमक की क्वांटिटी को आपको यहाँ पे कम रखना है क्योंकि हम आगे चल के भी नमक इस्तेमाल करेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दही में मैंने मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। तो ये 1 मीडियम साइज का प्याज है जिसका छिलका हटा के मैंने इसकी परत को इस तरह से अलग कर लिया है। तो ये प्याज मैंने डाल दिया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च। इसका बीज हटा के मैंने इसे इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से दही मसाले में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। तो ये 200 ग्राम पनीर है और पनीर के पीसेस को मैंने बड़ा कट किया है। पनीर के पीसेस को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो पनीर के पीसेस मैंने डाल दिए हैं मसाले में और अब हम इसे भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए पनीर के ऊपर। तो मसाला बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुका है पनीर, प्याज और शिमला मिर्च के ऊपर और अब हम इसे ढक के फ्रिज में रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। पनीर टिक्का मसाला की बेस ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दिया है 2 मीडियम साइज का टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 10 से 12 मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। काजू को मैंने 1/2 घंटे तक पानी में सोक करके रखा हुआ था और साथ ही साथ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, या फिर हरी मिर्ची आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अब हम ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगाएंगे और ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगा के हमें इसे एक स्मूथ पेस्ट में ब्लेंड कर लेना है। तो करीब 25 मिनट के बाद मैंने पनीर को फ्रिज से निकाल लिया है और पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और अब ये टिक्का बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और टमाटर, हरी मिर्ची और काजू का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी एकदम तैयार है, देख सकते हैं आप। इस तरह से स्मूथ पेस्ट आपको बनाना है और अब हम पनीर टिक्का बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्लेम को ऑलरेडी ऑन करके मैंने कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया है और पनीर टिक्का मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म है तो इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को मीडियम लो कर लिया है और अब हम इसमें बारी बारी करके मैरिनेटेड पनीर, शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। तो पनीर टिक्का को मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्टिक में भी करके बना सकते हैं। पनीर टिक्का बनाने का ये इजी प्रोसेस है इसलिए मैं इस मेथड को फॉलो कर रही हूँ। तो पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को आपको इस तरह से फैलाते हुए डालना है, यानी कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं कढ़ाई या पैन आपको चारों तरफ से इसे फैला कर इस तरह से डालना है।
और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, तब तक जब तक ये हल्का गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो करीब 2 मिनट तक मैंने इसे एक साइड से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसे चम्मच की मदद से पलट रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी हल्का गोल्डन कलर का हो जाए। तो बारी बारी करके आपको चम्मच की मदद से इसे पलट देना है। और अब हम इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी हल्का गोल्डन कलर का हो जाए। तो पनीर टिक्का अब एकदम बनके तैयार है और पनीर दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर का हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे अब हम बारी बारी करके निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब इस सेम कढ़ाई में मैं पनीर टिक्का मसाला की बेस ग्रेवी बना के तैयार करूंगी। तो इस कढ़ाई में पहले से ही थोड़ा बहुत तेल मौजूद है, तो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और जीरे को हमें लो फ्लेम पे 30 सेकेंड के लिए क्रैकल होने देना है। लो फ्लेम पे जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से तेल में। रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर टिक्का मसाला बना रहे हैं तो इसका कलर और टेक्सचर भी एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही होना चाहिए। हल्दी और मिर्च को मिक्स करने के बाद से अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। और अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को बढ़ाएंगे, फ्लेम को लो से मीडियम लो कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेना है। तो मैं इसे ढक दूंगी और इसे हम ढक के फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो हम इसे एक बार अच्छे से चलाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से प्याज के साथ, और अदरक लहसुन को भी हमें प्याज के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का रॉ टेस्ट डिसअपियर हो जाए। अदरक लहसुन भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे एक बार मैं चला रही हूँ। और अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को चेंज कर लेंगे, फ्लेम को अब हमें मीडियम लो से लो कर लेना है क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सारे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक ऐड कर देंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पनीर टिक्का में भी हमने नमक ऐड किया है तो नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 छोटा चम्मच पनीर मसाला, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, हरी मिर्च और काजू वाला प्यूरी। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से। और गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें अभी नहीं ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर को हम सबसे बाद में ऐड करेंगे। मसाले को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस मसाले को ढक के हम लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 12 मिनट तक फ्राई करेंगे, तब तक जब तक कि मसाले के सरफेस पे ऑयल ना ऊज आउट हो जाए। लो फ्लेम पे मसाले को फ्राई करते वक्त अगर आपको लगे कि मसाला नीचे कढ़ाई में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मसाले को लो फ्लेम पे देर तक फ्राई करना इस रेसिपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मसाला जितनी देर तक फ्राई होगा पनीर टिक्का मसाला का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। लो फ्लेम पे मैंने मसाले को कम से कम 12 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया। आप देख सकते हैं मसाले की सरफेस पे ऑयल ऊज आउट हो चुका है, यानी कि मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मसाले को मैंने लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है और मसाले को मैंने बीच बीच में चला भी लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगे कि कढ़ाई में मसाला चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है बटर। आप चाहें तो इसके जगह पे 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कीजिए या फिर बटर ऐड कीजिए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तैयार किया हुआ पनीर टिक्का। मिक्स करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से मसालों के साथ ताकि पनीर, शिमला मिर्च और प्याज के ऊपर मसालों की एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जरा सा पानी। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मुझे थिक पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ज़रा सा पानी ऐड किया है। जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जैसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं।
और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जरा सी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरह से हथेली पे लेके आपको इस तरह से रब करते हुए इसमें डाल देना है। कसूरी मेथी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कसूरी मेथी आपको इसमें डालना ही डालना है, क्योंकि कसूरी मेथी के बिना पनीर टिक्का मसाला एकदम अधूरा है। और अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और अब हम फ्लेम को बढ़ाएंगे। फ्लेम को अब हमें लो से मीडियम लो कर लेना है और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे ढक के सिर्फ 3 मिनट तक पकाएंगे। तो करीब 3 मिनट के बाद अब मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया और अब आप देख सकते हैं जबरदस्त पनीर टिक्का मसाला बनके एकदम तैयार है। फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जबरदस्त पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार हो चुका है और इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप भी घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर टिक्का मसाला बना के तैयार कीजिए, आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म पूरी, पराठे, रोटी, स्टीम राइस या अपने पसंद की किसी पुलाव के साथ। रेसिपी अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे आप लाइक का बटन क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल मोहिनीज मील हब को। और अगर आपको आज का ये वीडियो रेलेवेंट लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।